अस्सलाम वालेकुम क्लास, किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से हम आपको ऑनलाइन लेक्चर्स थ्रू वीडियोस भेज रहे हैं, जिसमें हमने क्लास सेवन्थ की मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया है। इसमें हम अपने फर्दर काम की तरफ आते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट्स के बारे में पढ़ा था। आज जो है वो हम कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट हम किस तरह से लेंगे। आप क्वेश्चन नंबर टू में हमें ये सारे सेट्स दिए गए हैं, यू ए बी सी और डी सेट्स। सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, या इनमें से किसी भी नंबर का अगर हमने कॉम्प्लीमेंट सेट का फाइंड करना होगा वो हम किस तरह से करेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा कि हमने उस सेट को माइनस कर देना है यू में से। यू हमारे पास होगा यूनिवर्सल सेट, जो कि सबसे बड़ा सेट होता है सेट्स में से। तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा हमारे पास यू माइनस ए के। तो सबसे पहले U सेट है तो हम सबसे पहले U सेट लिखेंगे, माइनस A सेट है तो हम उसके बाद A सेट लिखेंगे। अब माइनस में हमारे पास क्या होगा, ये हमने सीखा हुआ है पहले भी, कि दोनों में जो सेम नंबर्स होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी जो नंबर पहले सेट के बचेंगे उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 1 to 5 तक यहाँ पे नंबर जो है वो कट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, चूँकि ये काउंटिंग 10 तक है, तो बाकी जो एलिमेंट्स हमारे पास बचे हैं वो हमारे पास है A कॉम्प्लीमेंट। इसके बाकी जो B कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट, D कॉम्प्लीमेंट, ये आप खुद फाइंड करेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी ऐसे ही है कि ए बी सी हमें ये आई तक दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट, एक्स सेट दिया हुआ है, वाई सेट दिया हुआ है, जी सेट दिया हुआ है, हमने इनके करने हैं कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड। कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमने उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होता है। जैसे ही हमारे पास है यू कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब यू माइनस यू, यहाँ पे आप यू सेट जो है, ये जो भी क्वेश्चन हमने किया है ये उसी में से मैं कर रही हूँ। यू कॉम्प्लीमेंट जब आप फाइंड करेंगे तो यू सेट माइनस यू सेट सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट। उसी तरह से आप इस आपने इसमें से भी करना है, एक्स कॉम्प्लीमेंट होगा यू माइनस एक्स, तो यू और एक्स में जो सेम है वो कट जाएंगे, जैसे ए सी ई जी आई, ये सारे के सारे आई तक आएंगे तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, बाकी इसमें जो बचेंगे वो हमारे पास उसका आंसर होगा। उसी तरह से बाकी भी आपने ये दो क्वेश्चन जो है इनको कम्प्लीट कर लेना है, इनकी प्रैक्टिस आपने करनी है रजिस्टर पे। स्टे होम, स्टे सेफ।